कश्मीर को लेकर लागू किए गए लॉकडाउन में कोई भूखे पेट न सोए, कोई भूखा न रहे, इसको लेकर मुंडा पांडे पुलिस द्वारा पहल की गई है, जिसमें सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए कारीगर से हर रोज हजारों भोजन के पैकेट तैयार कराए जा रहे हैं, जिनको सड़क किनारे रहने वालों, रोडवेज बस स्टेशन पर फंसे यात्रियों, पैदल यात्रा कर एक जनपद से दूसरे जनपद जा रहे लोगों के साथ ही हर भूखे व्यक्तियों को मुहैया कराया जा रहा है। मुंडा पांडे पुलिस का कहना है कि ये कार्य पुलिस और मीडिया कर्मी के सहयोग से चल रहा है। लॉकडाउन अवधि के दौरान किसी को भी भूखे पेट सोने नहीं देना है। लॉकडाउन के समय यह कार्य जारी रहेगा। मुरादाबाद में किसी को भी भूखे पेट सोने नहीं दिया जाएगा। इस मुश्किल की घड़ी में हम सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उनकी लोगों से अपील है कि बस घरों में रहकर लॉकडाउन के नियमों का पालन करें। इस दौरान मुंडा पांडे, SHO नवाब सिंह, मीडिया कर्मी मोहम्मद सुलेमान सहित काफी संख्या में मीडिया कर्मी और पुलिस कर्मी मौजूद रहे। साकिर हुसैन जी, रामपुर दोराहा। सर ये जो मामला चल रहा है, क्या मामला चल रहा है यहाँ पर? सर यहाँ जो जिस दिन से ये लॉकडाउन लगा है, उस दिन से प्रशासन, ADM, CD, पत्रकार और CO साहब, पूरी मतलब जो है पूरी पुलिस लाइन यहाँ पे जीरो पॉइंट पे लगी हुई है, आवाम की, पब्लिक की, यात्रियों की खिदमत के लिए, और भी जिस लोगों से जो खिदमत हो रही है, वो यात्री की बराबर खिदमत में लगे हुए हैं। ये लोग कहाँ से आ रहे हैं, क्या? ये लोग गाजियाबाद, नोएडा, बलिया, जहाँ जहाँ से भी दूर दराज से जो लोग आ रहे हैं, परेशान हैं बेचारे, जिनको खाना पानी कुछ नहीं मिल गया। हम लोगों से जितनी भी इन लोगों की मदद हो रही है, हम बराबर इनकी मदद में लगे हुए हैं। अच्छा सर, मुंडा पांडे क्षेत्र है, जीरो पॉइंट है, यहाँ पर पुलिस प्रशासन भी है और अधिकारी हैं, ये क्या कर रहे हैं यहाँ पर सब लोग? जो ADM, CD, IBCO, पुलिस प्रशासन पूरा जो है यात्रियों की सेवा में लगा हुआ है, और यहाँ से सवारी को सवारी उन्हें बिठाने का इंतजाम भरपूर तरीके से उनका सहयोग कर रहे हैं। जनता से क्या अपील करना चाहोगे, जैसे लोग परेशान हैं जी, जनता से क्या अपील करना चाहोगे आप? जनता से ये अपील करना चाह रहे हैं, जितनी भी है क्षेत्र, अपने हिसाब से सब लोग इसमें सहयोग दें। मेरा अधिकारी तो उन्होंने बहुत बढ़िया व्यवस्था, जो यहाँ प्रशासन की जो व्यवस्था है वो बहुत अच्छी व्यवस्था है, और पुलिस प्रशासन, पुलिस भी बहुत अच्छी तरीके से यहाँ अपना काम कर रही है। जो लोगों की सेवा, जो आने का इंतजाम किया गया है, उसमें पूरा सहयोग किया जा रहा है। अच्छा, क्या संदेश देना चाहोगे पब्लिक की यहाँ को, जैसे आप खाना बनवा कर लोगों को बंटवा रहे हो, पुलिस प्रशासन सहयोग कर रही है इन लोगों का, उसके बारे में क्या संदेश दोगे आप? ये पुलिस प्रशासन का अधिकारी, जिला अधिकारी महोदय का हम आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने अच्छी, अब लोगों को घर पहुँचने में सहूलत हो रही है, जो व्यवस्था की गई है, वाहन की व्यवस्था की गई है जी, जो बसों का इंतजाम किया गया है, प्रशासन की तरफ से बहुत अच्छा बढ़िया कदम। ठीक है।